नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या कर रहे हो? कबाड़ा कबाड़ का कबाड़ा भी इनते हो क्या? हाँ। कहीं बैठने की जगह बैठना कर लो। तो चाचा आप कबाड़ा भी इनते हैं ना? हाँ। ये मतलब मैंने देखा आपको यहाँ कबाड़ा भी आप हाँ। सेट कर रहे थे तब मैं आपके पास आया। तो कबाड़ा आप कब से बीनते हैं? ये हो गए मेरे पास 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो इसमें आपका मतलब कितना बन जाता है, गुजारा हो जाता है? नहीं यार, कभी कभी हो जाता, कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। मतलब जैसे 100, 200, 400, 300 मतलब इतना कम जाता है? हाँ इतना कमा लेकिन कभी घट जाता है। अच्छा, घर में आपके बच्चे हैं? बच्चे दो, एक लड़की है, दो लड़के। अच्छा, एक लड़की दो लड़के हैं। हाँ। बाकी तो मतलब घर का गुजारा हो जाता है? बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? बच्चे भी कुछ ऐसी? नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो रोज़ाना मतलब इसी तरीके से आप करते हैं? हाँ। तो बड़ा मतलब देखा जाए तो एक हिम्मत की बात है, 10 साल से आप मतलब कबाड़ा गिनते हैं। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी होगी 75 के लगे सके। 75 साल आपकी एज है? हाँ। तो क्योंकि 75 साल की एज में लोग जो ज़्यादातर हिम्मत हार जाते हैं और वो सोचने लगते हैं मतलब अब, क्योंकि घर पे भी इंसान बैठ जाता है मगर मजबूरी में इंसान कुछ भी कर लेता है। 75 साल की एज में कोई काम करना कहाँ जाता है? या आपने देखा होगा इसलिए एज में लोग भीख तक मांगने लग जाते हैं। कई लोग मांगते हैं, काफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम नहीं मांगते। ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर कि आप मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मांगते नहीं किसी से कोई। हाँ, कोई दे दे प्यार मोहब्बत से तो भी उसकी बात ले जाती है। तो खाना खाया आपने चाचा? अभी चाय पिया, 12-1 बजे खाएंगे खाना। खाना वाना खिलवा देंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है यहाँ पे मिलता है कि पास में खाना? रोटी तो सामने मिलती है, लेकिन बात तो सिर्फ ऐसे पैसे की होती है। सारी पैसे की बात है। हाँ। खाना तो कहीं पे खा लो, बात तो पैसे की है। अब नहीं कमाएंगे तो फिर भाई कहीं ना कहीं से तो खाना होगा। सही बात है, लेकिन कई बार ये ऐसा भी दिन आता है जब भूखे भी सो जाना पड़ता है, लेकिन काम हम करते हैं। मतलब ऐसा भी दिन आता है कि भूखे भी सोना पड़ जाता है? कई बार ही आता है, बाकी और कोई हमें चिंता नहीं किसी की। हाँ, मतलब अपने बस जिंदगी का गुजारा चल रहा है, जिंदगी हाँ। काटी जा रही है। हाँ। चलो, आज के खाने की अगर आप बात है, मैं आपको खाना ला के दे दूँगा या फिर आप चाहो तो मेरे साथ चलना, मैं खिलवा दूँगा आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारा जो खाना खा लेंगे। चलो मैं खाना ला दूँगा आपको, पैक करा के दे जाऊँगा आपको। तो एक्चुअली मैं क्या है चाचा, ऐसे लोग जहाँ भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनसे बात करता हूँ और मिलता हूँ, और जो मुझसे हो सकता है ना वो मैं उनकी है जो भी सहायता होती है, मदद होती है, वो मैं करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब बात करके कि इतनी हिम्मत की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि आपको मतलब भूखा नहीं सोना चाहिए। मतलब जो कर्म में भूखा होता था तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं? अरे हम सोचते हैं चलो यहाँ रोटी है खाएंगे। सही बात है। और वहाँ जाके कोई और ही खा रहा हो, या जैसे किसी ने लंगर लगा हुआ है, हम जाएं भूख के मारे उसे कहेंगे लंगर, लंगर ख़त्म हो जाता। वो तो हम किस्मत की बात करते हैं कि जब कमाएंगे तभी कोई खिलाएगा। किस्मत को मानते हो आप? मतलब हाँ, अपनी जो मेहनत करने की है वो कर रहे हो, बाकी ऊपर वाले की। हम अपनी मेहनत करके खाते हैं। बट चाचा, मैंने देखा है इस उम्र में लोग भीख तक मानते हैं ना, तो आपकी ये एक मिसाल है लोगों के लिए कि हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब कितनी भी अगर नाकाम हो जाए इंसान, फिर भी इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है बाबा। अगले एक सोचते हैं कि हाँ भाई पैसे की लालच में कभी किसी का सामान उठा लिया या कुछ उठा लिया, लेकिन ये हम में ऐसी बात नहीं है। कई बार ये ऐसा होता, भूखे रहना होता तो इसका मतलब ये नहीं किसी का माल ही मैं उड़ा दूँ या पैसे किसी से। सही बात है, बहुत सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो बात है ना आपकी, एक मोटिवेशनल है लोगों के लिए, मतलब इंस्पायर करने वाली चीज़ें हैं ये। आप ये मेरी तरफ से रख लो, और हो सकेगा तो मैं आपसे दोबारा मिल लूँगा, या आप मेरी तरफ से रख लीजिए। सर पे हाथ नहीं रखोगे? ऐसे ही हाथ रखेंगे, ऐसी कोई नहीं, हमारे बेटे की तरह है यार। सही बात है ना, तो आप भी आए जिंदगी में पहली बार ही हमने देखा है आपको यहाँ आते हुए।
जानते क्यों? हम विश्वास से ज़्यादा करते हैं। सही बात है, हमारे पास और भी कई आए, लेकिन जानते क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता। एक तो हमारा चेहरा भी वैसा है, कारोबार भी ऐसा है, कपड़ा भी ऐसा है। सर भूख लगी, रोटी खानी रोटी खानी। क्या करते हो आप? सर ऐसे गुजारा करता हूँ। मतलब ऐसे फिर भी कुछ काम करते हो आप? सर माँ प्यो नहीं है। जी माँ प्यो नहीं है। माँ प्यो नहीं मतलब? माँ पे कोई है नहीं आगे पीछे। अच्छा, आगे पीछे कोई नहीं आपके? मतलब घर बार नहीं है? सड़क में सोता हूँ। अच्छा जी, खाना मतलब आपको चाहिए, भूख लगी है? हाँ, पैसे चाहिए, आगे जाके रोटी खानी है। यहाँ कोई पास में नहीं है जगह खाने? पास में कोई है नहीं सर। पास में चलो, खाने खाओगे ना? हाँ खाऊंगा, आगे जाके रोटी खाऊंगा। आगे खाना ही खाना। ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो देखने के लिए। गाइज बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि 75 साल की एज में भी चाचा इतनी मेहनत करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, या फिर बच्चे हों, कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए। और अपना वीडियोज पे ऐसी प्यार बनाए रखिए ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज और भी आती रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइज, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।